हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल अंश टेक्निकल जॉब सेंटर पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी का कैंपस भर्ती का नोटिफिकेशन अपडेट लेके आप लोगों के सामने हूं। तो दोस्तों, ये जो कैंपस प्लेसमेंट का नोटिफिकेशन अपडेट आया है वो एक बहुत ही मानी जानी बहुत ही बड़ी कंपनी का है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए सारा कुछ इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल्स के साथ समझते हैं कि ये कैंपस प्लेसमेंट कौन सी कंपनी की तरफ से लगाया जा रहा है और ये कैंपस प्लेसमेंट में किन किन क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स को ये कंपनी सेलेक्ट करेगी, कौन कौन से स्टेट के कैंडिडेट्स इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। सारा कुछ डिटेल्स इस वीडियोज में हम आपको बताएंगे। आप लोग वीडियोज को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वॉच करिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कुछ विवरण, सारा कुछ प्रोसेस, इस कंपनी के सिलेक्शन प्रोसेस का बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, मारुति सुजुकी की तरफ से ये कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन अपडेट आया हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों। तो चलिए हम उस नोटिफिकेशन पे चलते हैं और उसी पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये है वो कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन जो कि मारुति सुजुकी की तरफ से आया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड गुड़गांव मानेसर हरियाणा प्लांट के लिए ये रिक्वायरमेंट निकल के आई है, जिसमें कि CW के लिए ये पोस्ट है, जो कि 12 मंथ के लिए ओनली ये कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी। और CW यानी कि दोस्तों कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कमैन, और मारुति सुजुकी में ही एक पोस्ट और आती है TW करके, वो है टेम्प्रोरी वर्कमैन, जो कि 7 मंथ के लिए होती है। तो दोस्तों, ये CW के लिए आपको ये कंपनी सेलेक्ट करेगी और आपकी जो जॉब होगी वो 12 मंथ के लिए होगी, ठीक है। कैंपस सिलेक्शन है दोस्तों, टोटल वैकेंसी 500 प्लस है, यानी कि बहुत ही बड़ी भर्ती का ये कैंपस प्लेसमेंट आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो इस कैंपस प्लेसमेंट में पहुंचकर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। इन्होंने साफ साफ इस नोटिफिकेशन में बताया हुआ है दोस्तों, केवल बिहार के किसी भी ITI से पास अभ्यर्थी के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर। यानी कि ये कैंपस प्लेसमेंट में सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि ये कैंपस प्लेसमेंट ओनली बिहार स्टेट के पास आउट कैंडिडेट्स के लिए लगाया जा रहा है। तो आप लोग अगर किसी और स्टेट से हैं तो आप लोग इस कैंपस प्लेसमेंट में मत जाइएगा, ये कैंपस प्लेसमेंट ओनली बिहार से पास आउट ITI कैंडिडेट्स के लिए लगाया जा रहा है। तो ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी तत्काल ज्वाइनिंग, यानी कि ये ज्वाइनिंग जो कराएगी ये CW की पोस्ट के लिए, ये आपकी तत्काल ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। 18 से 26 वर्ष एज लिमिट है। ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि ज्वाइनिंग के समय तक, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी और आपकी जो एज होगी वो 18 से 26 साल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। केवल पुरुष उम्मीदवार 40% के साथ 10वीं और 60% के साथ ITI पास। यानी कि ये कैंपस प्लेसमेंट ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए लगाया जा रहा है, जिसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो है 10वीं पास 40% मिनिमम अंकों के साथ और ITI 60% अंकों के साथ, ठीक है। ITI ट्रेड्स की बात करें दोस्तों, तो फिटर, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ट्रैक्टर, टेक्नीशियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, टर्नर वेल्डर, यानी कि इन सभी ट्रेड से अगर आपने ITI पास आउट किया है तो आप लोग इस कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करते हैं। तो क्लास 10 मार्कशीट, यानी कि ITI मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट मैच एज पर क्लास 10 मार्कशीट। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे जो हैं, वो जो कि 10th की आपकी मार्कशीट होगी उसी से सेम होना चाहिए, जो कि नाम की स्पेलिंग और फादर्स नेम स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा वो सेम होना चाहिए, एक भी लेटर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है दोस्तों तो आप लोग करेक्शन करा लीजिएगा, ठीक है।
दिए गए लिंक या QR कोड से रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों में से पात्र उम्मीदवार को ही कंपनी द्वारा SMS या कॉल से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंपस की तिथि एवं समय वर्णित होगा। यानी इन्होंने ये चीज़ साफ साफ बताया दोस्तों कि आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा QR कोड से, ठीक है। आप जब रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली कर देंगे तो उसके बाद SMS या कॉल के माध्यम से आपको इस कंपनी की तरफ से मैसेज जाएगा, उसमें आपकी कैंपस की तिथि और इंटरव्यू डेट सारा कुछ डिटेल्स उसमें सम्मिलित होगा। आप लोगों को उस एड्रेस पे उस डेट पे इंटरव्यू के लिए उस लोकेशन पे जाना होगा, ठीक है। सैलरी की बात करें दोस्तों तो 28,000 रुपये CTC सैलरी रहेगी 8 घंटे की, और 26,000 रुपये इनहैंड सैलरी आपको मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा CW की पोस्ट के लिए मिलेगा, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 26 मई 2024 लास्ट डेट है दोस्तों। तो बिहार के पास आउट ITI कैंडिडेट जो हैं, जो एलिजिबल हैं, आप लोग 26 मई 2024 से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा मौका आपके लिए ये आया हुआ है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। अदर बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों तो सब्सिडाइज फूड, यूनिफॉर्म एंड अदर बेनिफिट्स, यानी कि इस कंपनी में आपको खाने की व्यवस्था फ्री है। तो और इसके साथ साथ यूनिफॉर्म यानी कि आपको सेफ्टी शूज, यूनिफॉर्म, ये सब कंपनी की तरफ से फ्री अवेलेबल रहेगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा खाना इस कंपनी में मिलता है। आप लोग अगर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में जॉब नहीं किए हुए और आप लोग ITI पास आउट हैं और घर पर बैठे हुए हैं, प्राइवेट नौकरी की खोज में हैं दोस्तों, तो आप लोग मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की CW पोस्ट के लिए अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग 26 मई 2024 तक रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है, मैं उस पर एक वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से बना दूंगा। आप लोगों उस वीडियो के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैंपस सिलेक्शन स्थल है सुजान ITI रसलपुर गया, चाकंद रोड गया, बिहार। तो आप लोगों को इस कैंपस प्लेसमेंट में, इस ITI में सिलेक्शन के लिए जाना होगा। सबसे पहले तो आप लोग 26 मई 2024 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्लीज़ इस रजिस्ट्रेशन को कर लीजिए, उसके बाद ही आपको सिलेक्शन के लिए कैंपस प्लेसमेंट के लिए डेट मिलेगी, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, कोई भी डाउट है, कोई चीज़ क्लियर ना हुआ हो तो आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जो भी डाउट है वो क्लियर कर लेना। हेल्पलाइन नंबर है 012-44-37-6456, ये नंबर दे, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये है बारकोड दोस्तों, लास्ट में आप लोग देख सकते हैं, इस बारकोड को स्कैन करेंगे तो आपको सामने एक फार्म का पेज खुल के आएगा, ओपन होगा। आप लोगों को उस फार्म को सही तरीके से भरना है और उसके बाद फार्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो कि CW पोस्ट के लिए कैंपस प्लेसमेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो दोस्तों ये फार्म जो है, ये जो कैंपस प्लेसमेंट है वो ओनली बिहार के किसी भी ITI से पास आउट कैंडिडेट्स के लिए ये कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। तो जो भी बिहार के ITI पास आउट कैंडिडेट्स हैं, अगर आप लोग मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में जॉब करना चाहते हैं और आप लोगों की पेमेंट जो है वो 28,000 रुपये CTC सैलरी रहेगी, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी रहेगी, मिलेगी आपको, और 500 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को ये कंपनी सेलेक्ट करेगी, यानी कि बहुत ही बड़ा भर्ती का नोटिफिकेशन ये मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा आया हुआ है। तो दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के पास शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा मौका है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में जॉब करने के लिए। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोज अच्छी लगा करें, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगा करें तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन अपडेट या गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।